हेलो एवरीवन, वेलकम इन डिलीशियस फूड रेसिपीज एंड हियर इज वैशाली करपे। मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमकीन पारे। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। हमने यहाँ लिया है 250 ग्राम रिफाइंड फ्लावर, हाफ टी स्पी सॉल्ट, हाफ टी स्पी जीरा, हाफ टी स्पी हल्दी एंड हाफ टी स्पी अजवाइन। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। रिफाइंड फ्लावर में हमने ऐड किए हैं सॉल्ट, जीरा, क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक पाउडर, हल्दी और अजवाइन। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साइड पे हमने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। आप घी भी डाल सकते हैं या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं मोहन के लिए। तो यहाँ पे हमने 50 ml घी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो हमने यहाँ जो गरम करके घी लिया है वो हम इस आटे में डालेंगे। ये हमने 50 ml घी को गरम किया है अच्छे से। घी उतना गरम करना है कि आटे में डालने के बाद इसमें बबल्स आने चाहिए। देन अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले स्पून से करेंगे, उसके बाद हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। मोहन का आटे को अच्छे से लगाना है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जो हम मोहन डालते हैं वो सारे आटे को अच्छे से लगना चाहिए। तो ये हमने मोहन लगा के रेडी किया है। मोहन उतना ही डालना है कि हाथों में लेना है तो लड्डू बन सके। इससे ज़्यादा मोहन आपको नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है। तो नाउ हमने पानी लिया है 1 कप, लेकिन इतना पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको डो बनाना है। तो हमने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला है और डो बनाना शुरू किया है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा डो बनाएंगे। डो को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, डो को मीडियम बनाना है। मुझे और थोड़ी पानी की आवश्यकता है तो मैंने और थोड़ा पानी लिया है और उसे अच्छे सा डो बना लिया है। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी को आपको यूज़ करना है। मेक श्योर कि डो को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे हमने डो बना के रेडी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो बना के रेडी किया है। इतना डो बनाने के लिए मैंने 1/2 कप पानी यूज़ किया है। कम ज़्यादा भी लग सकता है। तो चलते हैं अगली प्रोसेस पे। डो बनाने के बाद इस डो के हम 7 लोई बना के रखेंगे। नींबू के आकर के या फिर लड्डू के आकर के 7 हिस्सों में इसे डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो ये हमने लोई बना के रखी है ताकि बेलने में आसान हो सके। तो ये हमने 7 हिस्से में डिवाइड किया है और इस तरह से हमने लोई बना के रखा है। तो नाउ हमें बनाना है साटा। तो साटा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 2 चम्मच घी और 30 चम्मच रिफाइंड फ्लावर। तो जो हमने घी लिया है उसे हम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे, मिक्स करेंगे, अच्छे से उसकी पेस्ट बनानी है। पेस्ट बनाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर ऐड करने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है, उसके अच्छे से पेस्ट बनानी है। यहाँ पे आप कॉर्न फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं और चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अच्छे से पेस्ट बना के लेंगे। ये जो साटा है ये लगाने से हमारे जो नमकीन पारे हैं वो अच्छे से क्रिस्पी, सॉफ्ट और अच्छे से टेस्टी बनेंगे। तो ये हमने पेस्ट बना के लिए है, इसे साटा भी बोलते हैं। तो ये भी रेडी है। तो चलते हैं अगली स्टेप पे। तो नाउ हमने यहाँ एक लोई ली है जो हमने बना के रखी थी। तो उसे अच्छे से बेलना है, रोटी बनाना है। ज़्यादा थिन भी नहीं करना है, थिक भी नहीं करना है। मीडियम साइज़ की रोटी हमें बनानी है। और यहाँ आटा या लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आसानी से बेल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बेल सकते हैं। तो ये रेडी है। नाउ हम इस पे अप्लाई करेंगे वो साटा जो हमने बना के रखा था ना, वो हम इस पे स्प्रेड करेंगे चारों ओर, सेंटर से एजेस तक। पूरे रोटी के ऊपर हमें अच्छे से स्प्रेड करना है।
तो ये स्प्रेड हो चुका है, तो नाउ हम इसे फोल्ड करेंगे। चारों ओर हमने अच्छे से साटा लगा लिया है। नाउ हम रोटी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड इस तरह से करेंगे और थोड़ा सा फ्लैट करते जाएंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है और ये रेडी है। नाउ हम इसे सेंटर से कट करेंगे और दो हिस्सों में इसे डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इस तरह से हम सारी लोई को बेलेंगे और इस तरह से बना के रखेंगे। तो चलते हैं अगली स्टेप पे। नाउ इसमें से हम एक पार्ट लेंगे। अब ये फाइनल प्रोसेस है, तो इसे हमें बेलना है। इसे ही ज़्यादा थिन नहीं करना है, थोड़ा सा मीडियम ही रखना है। बस आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इसे बेलते हैं। यस, तो ये हमने अच्छे से बेल लिया है। हमें इसे राउंड नहीं करना है, इसे मीडियम थिक ही रखना है। तो ये रेडी है। नाउ हम इसे कट करेंगे। आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पिज्जा कटर को यूज़ किया है। तो ये हमने इस तरह से कट किया है और देन सेंटर से। सो ये रेडी है। इस तरह से हम सारे नमकीन को बेल के इस तरह से कट करके लेंगे। सो ये रेडी है। साइड पे हमने ऑयल को हॉट करने के लिए रख दिया था, गरम करने के लिए रख दिया था। मेक श्योर के जब भी हमें नमकीन पारे ऑयल में डालने हैं, फ्लेम को हमें हाई रखना है, क्योंकि हम जब नमकीन पारे डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर हमें कम नहीं करना है। तो इस तरह से हमने नमकीन को डाल दिया है और हमें लैडल से इसे अलट पलट के फ्राई करना है, ताकि चारों ओर से अच्छे से फ्राई हो सके और गोल्डन ब्राउन कलर आ सके। और जब भी हमने नमकीन पारे को प्लेट में निकालना है तो फ्लेम को हमें तुरंत लो करना है। तो आपको ये खास ध्यान भी रखना है। तो मैंने फ्लेम को लो किया है, नमकीन पारे रेडी है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसे अब हमें प्लेट में निकालेंगे। तो इस तरह से हम सारे नमकीन को फ्राई करके लेंगे। नमकीन को हमें ज़्यादा डार्क कलर के नहीं करने हैं, इसी प्रकार के बादामी कलर के डीप फ्राई करने हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ओके, और फ्रेंड्स आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सो नाउ इस प्रकार से हमने पहली बैच को डीप फ्राई करके लिया है। नाउ ये बैच डीप फ्राई करने के बाद हम ऑयल में सेकंड बैच को डालेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा इसी प्रकार के नमकीन मेरे घर में बनाती हूँ, सबके फेवरेट है, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की। आप भी बनाइए और आपके अनुभव मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ओके, नाउ ये डीप फ्राई करके रेडी है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसी प्रकार के आपको डीप फ्राई करना है नमकीन, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। बस ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, यम्मी लगते हैं, बादामी कलर के। नाउ हम सेकंड बैच को डालेंगे। तो फ्लेम को मैंने हाई किया है और इसी प्रकार से हम सारे नमकीन पारे को डीप फ्राई करके लेंगे। आ गया ना मुँह में पानी, तो आप भी बनाइए। इस नमकीन को आप दिवाली के लिए बना सकते हैं या फिर सुबह शाम चाय के साथ भी बना सकते हैं। सब बहुत ही चाव से खाएंगे, यकीन मानिए। तो ये नमकीन पारे फ्राई करके रेडी है। फ्लेम को हमें लो करना है, तो मैंने फ्लेम को लो किया है। नाउ हम नमकीन को प्लेट में निकालेंगे। ये फ्राई करके रेडी है और इस तरह से हम सारे नमकीन को फ्राई करके लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने सारे नमकीन को डीप फ्राई करके रेडी करके लिए है। सो गाइस, इफ यू लाइक माय रेसिपी यू लीव अ लाइक
and subscribe to my channel and press the all notification bell icon to get the notification first. So friends, you must try this recipe and give me a comment in comment section below. So you must try this recipe. So guys, फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ इसी चैनल पे. टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.